पे भरोसा। मोदी जी पे भरोसा क्यों? ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने भाई? हमारे लिए सुविधा ऐसी निकाली उन्होंने। हाँ। मोदी जी तो हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं ऐसा कोई करते नहीं। अब मोदी सरकार को लेकर इंदौर से 40 किलोमीटर दूर देवास में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की सोच भी खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। मोदी जी को भाईजान मानती कि नहीं? मानती। तो रक्षाबंधन में चाहती है राखी बांधना मोदी जी को? बांधेंगे, आएंगे तो बिल्कुल हाजिर। हाँ। क्यों नहीं बांधेंगे? लेकिन भाई हमारे। मोदी जी ने कहा है कि इस बार के रक्षाबंधन में बीजेपी के सांसद जाएंगे मुसलमानों की बस्ती में और रक्षाबंधन बधवाएंगे। राखी बांधने को तैयार है आप लोग? हाँ, राखी बांधेंगे सर। भाजपा के नेताओं को? हाँ, भाजपा के। भाजपा नफरत करती है सर। हम भाजपा के नेताओं को हमारे घर में बिठाते हैं, हमारे भाई रहते हैं, हम भाईचारा बना के रखते हैं। मुसलमान अब मोदी जी के राज में डरा हुआ महसूस करता है या सुरक्षित महसूस करता है? सुरक्षित महसूस करता है। आराम से निकलते, आराम जाते हैं। एक फोन लगाते अगर कोई गलत कहते जरा सा तो फटाक से गाड़ी आती है हमारे तुरंत। 100 नंबर वाली शिवराज जी भेज देते हैं, डबल इंजन वाली सरकार। डबल इंजन। लेकिन मोदी जी के राज में ऐसा मना किया है पुलिस को, मत जाना वहाँ, लड़ने दो उन लोग को। कहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे यहाँ। कुछ भी नहीं सर, एक फोन लगाने की देर है सिर्फ हमारे को। हाँ। तो दंगा गुंडागर्दी कम हुई है मोदी जी और शिवराज जी के राज में कि बढ़ गया है? कम हो गई है ना। 24 में किसको राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि मोदी जी बनेंगे? मोदी बनेंगे। क्यों बनाना चाहती हैं भाई प्रधानमंत्री? क्या कर दिया ऐसा उन्होंने? उन्होंने ये सभी करा, आवास योजना दी, नल करा, बत्ती करा। हाँ। राशन फ्री मिल रहा है। मोदी जी ने कहा कि बीजेपी नेता जाएं और मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएं। अच्छा फैसला है, खराब फैसला है? अच्छा फैसला। हाँ। अच्छा। राखी बांधने को तैयार है? क्यों नहीं बांधने को तैयार है? बीजेपी वालों को? सबको बांधने, हम तो राखी क्या है, भाई है वो, हमारे भाई है। मोदी जी क्या है? वो भी हमारे भाई, भाईजान है। तो भाईजान मानते हैं मुस्लिम महिलाएं? नहीं मानते हैं। मुसलमानों के लिए कुछ काम किया है या सिर्फ हिंदुओं के नेता? नहीं, सभी के लिए किया उन्होंने। क्या किया आप बताइए? आवास योजना में घर बनवाए। प्रधानमंत्री आवास में मुसलमानों को घर मिला? मिला। अच्छा, आपको मिला कि नहीं? मिला। मिला। हाँ। पहले कैसे रहते थे? कच्चा मकान था, छप्पर में। हाँ। आप कैसे रहते हैं? पक्का मकान है। तो बढ़िया लगता है? अच्छा लगता है। किसने किया ये सब? मोदी जी ने। अच्छा, तो मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया नेता है पूरे देश के। मुसलमान पसंद करता है मोदी जी को? जरूर करता है। कब से? अब वो जितने साल से है, 10 साल होने वाले हैं। तो पहले तो वोट, लेकिन मुसलमान वोट क्यों नहीं करता मोदी जी को? मुसलमान वोट कर रहे हैं, तभी तभी बैठे हैं वो 10 साल से। अच्छा, अब करने लगा है? हाँ? 2014 में तो नहीं किया था ना? हाँ, नहीं, किया। नहीं किया था। ईमानदारी वाली बात यही है ना। हाँ। क्यों नहीं किया था? क्योंकि डराया गया था। हाँ। क्या कहा गया था? कि वो दंगे फसाद वगैरह होंगे। हाँ, कितनी बार दंगे हुए? नहीं हुए। नहीं हुए। तो आप मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है कि नहीं आप लोगों का? बढ़ा है, पूरा बढ़ा। बढ़ा है। तो आप अच्छे लगते हैं, मोदी जी अच्छे नेता लगते हैं या राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? अब सर ये तो मैं बोल नहीं सकती, मोदी जी ने काम करा तो मोदी जी के हक में बोलेंगे, उन्होंने काम बहुत सारा किया है। तो हिंदुओं के लिए काम किया होगा, मुसलमानों के लिए? सभी के लिए किया। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश के कुल आबादी 7 करोड़ 26 लाख है। इनमें 47 लाख 75 हजार मुसलमान वोटर हैं, जिनमें मुस्लिम महिलाओं की तादाद करीब 25 लाख है। क्या नाम है आपका? कायनात। कायनात नाम है। तो ये बताइए इस कायनात में क्या चल रहा है इस समय? मोदी जी। मोदी जी चल रहे हैं, मुस्लिमों की बस्तियों में भी चल रहे हैं मोदी जी, जी। हिंदुओं की बस्तियों में मोदी जी, जी। हर जगह। क्यों ऐसा लग रहा है भाई? हमको तो लगता है, मुझे तो लगा था जब मैं आपके यहाँ आ रहा था, मुझे बताया गया कि भाई आपको सतना जाना है, मुसलमानों की बस्तियों में जाना है, मुस्लिम महिलाओं से मुलाकात करनी है, तो मुझे तो लगा था मुझे देखते ही रो पड़ेंगी, बताएंगे भाई जान हम बहुत तकलीफ में है, 9 साल से बहुत सताए हुए हैं। तकलीफ और सताई हुई है क्या? बिल्कुल नहीं। एक बार 1% भी नहीं? जी नहीं। तो मोदी जी के आने से परेशानी बढ़ गई है, परेशानी घट गई? घट गई। घट गई। क्यों ऐसा कह रही हैं आप? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे रास्ते निकाले हैं मुसलमानों के लिए भी, हमारे लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी। ऐसा कुछ